डॉक्टर किरोड़ी ने चुनाव में मेरे से बतौर रिश्वत माधोपुर से टिकट देने के भाई ने जमीन ले ली। दोनों भाइयों का काल से फोन आ रहा है कि आप तो या हमें मिलो है, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। वीडियो में जो किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर आरोप लगाए हैं बहुत गंभीर आरोप हैं। ये वीडियो की एक छोटी सी क्लिप है, अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कई गंभीर आरोप और भी किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर ये शख्स लगा रहा है। अब इस शख्स के बारे में बता देते हैं, ये शख्स है मक्खन सिंह मीणा जो दौसा से निर्दलीय प्रत्याशी है। अब निर्दलीय प्रत्याशी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के पीछे क्या सच्चाई है, क्या मनसा है, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि आरोप लगाने के बाद अब इस वीडियो की हर कोई चर्चा कर रहा है। हालांकि लोकमत हिंदी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आरोप लगने के बाद चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा ने सचमुच ऐसा किया है, क्या किसी निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव से रोकने के लिए क्या पुलिस सचमुच किरोड़ी लाल मीणा ने भेजी है, पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट ने डीसी बैरवा का माहौल बनाया दौसा के अंदर और प्रचार प्रसार में पूरा दमखम दिखाया, अब गोलमा देवी भी महिलाओं के बीच नाचती गाती अपने देवर के प्रचार कर रही हैं। गोलमा देवी ने कहा कि मेरे से देवर ने मना भी किया था कि आपकी तबीयत खराब है आप रहने दो, लेकिन मैंने कहा कि वोट कम मांगेंगे, जिस देवर ने पूरी उम्र निकाल दी हम लोगों के लिए, अब ऐसा समय है वोट मांगने का, अगर आज वोट नहीं मांगेंगे देवर के लिए तो कब मांगेंगे। हाथ में पट्टी बांध रखी है गोलमा देवी, जगमोहन मीणा का प्रचार प्रसार कर रही हैं। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा हैं जो लगातार अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए मैदान में हैं। और इस सीट पर देखिए निर्दलीय कोई भी हो, लेकिन इस सीट पर सीधे तौर पर आमने सामने की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी यानी जगमोहन मीणा और जो डीसी बैरवा हैं उनके बीच में है। अब चुनाव परिणाम किसके पक्ष में रहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों की ओर से दोनों पार्टी और दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ किरोड़ी लाल मीणा का परिवार और मुरारी लाल मीणा, इन्होंने अपने अपने प्रत्याशी के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जो कांग्रेस ये मानकर बैठ गई थी कि दौसा में लगातार 10 साल से उनका राज रहा है, मुरारी लाल मीणा लगातार यहाँ से चुनाव जीत कर जा रहे हैं, आसानी से इस बार भी चुनाव जीता जा सकता था ऐसा कांग्रेस को लग रहा था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की और किरोड़ी लाल मीणा के भाई का नाम आया, कांग्रेस को थोड़ा झटका जरूर लगा होगा। कांग्रेस को इसलिए भी झटका लगा होगा क्योंकि लगातार 10 वर्षों से मुरारी लाल मीणा यहाँ से जीते हैं और जनरल कैंडिडेट शंकरलाल शर्मा पर बीजेपी दांव लगाती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या उपचुनाव भी हो, चर्चा ऐसी थी कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के लिए किरोड़ी लाल मीणा टिकट मांग रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद अब उनको टिकट मिला है और जैसे ही सूची में जगमोहन मीणा का नाम आया था कांग्रेस को थोड़ा झटका लगा था। अब जगमोहन मीणा के जो है टिकट मिलने के बाद ये मुकाबला है दोनों के बीच, बड़ा रोचक मुकाबला है। आरोप प्रत्यारोप किसके ऊपर कौन लगा रहा है, कितनी सच्चाई है, क्या उनकी मनसा है लगाने की, ये अपनी जगह बात है, लेकिन दौसा के इस चुनाव के अंदर कौन बाजी मारने में कामयाब होता है इसका इंतजार है। और गोलमा देवी के प्रचार जो प्रचार किए हैं देवर के लिए, उसके बाद थोड़ा जगमोहन मीणा का और माहौल बनने लगा है। महेंद्र वासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।